हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आत्मान। आत्मान मीन्स टिम्पेनाइटिस और फ्लैटुलेंस। आत्मान में आटोप के साथ उदर में वायु का संचय होने से उदर में जो उत्सेद होता है, उदर में जो फुलाव होता है, उसको हम आत्मान कहते हैं। आटोप के साथ वायु का संचय होना आत्मान कहलाता है। जबकि आहना में क्या होता है, आहना में आम और पुरुष का धीरे धीरे उदर में संचय हो जाता है। दोनों ही बात का निरोध होने से, बात प्रकोपित होने से दोनों ही व्याधियों की उत्पत्ति होती है, आना की और आत्मान की। आत्मान में मल का संचय नहीं होता है, आत्मान में मल और मूत्र की प्रवृत्ति होती रहती है तथा उदर में वायु का वृद्धि होती है और आटोप मीन्स साउंड लाइक गुड़गुड़ाहट की साउंड आटोप कहलाती है। उसके बाद उदर में उच्छेद या उदर में फुलाव होता है, उसको आत्मान कहते हैं। जबकि आना में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो नेचुरल अर्थ्स हैं वो बाहर नहीं निकलती, उनके नेचुरल रूट से बाहर नहीं निकलती। पुरुष है वो मल का त्याग नहीं होता, जबकि आत्मान में मल का संचय नहीं होता है और मलमूत्र का भी इसमें प्रवृत्ति होती रहती है, निरोध नहीं होता है। उत्पत्ति सा आटोपम अति उग्र ऊर्जा आत्मार्थ उद्रम रसम आत्मान मानम इति जानिया घोरम बात निरोध जम। उदर में आटोप के साथ सा आटोपम अति उर्गुरुजा मतलब बहुत तीव्र सूल या पेन होना, उत्पन्न होना, आत्मान का होना, उद्रम व्यसम उदर में ये सारी चीज़ होती हैं। आत्मानम इति जानियत इसको आत्मान कहते हैं, जानियत घोरम बात निरोधन, घोरम बात निरोधन वायु के प्रकोप के कारण घोर व्याधि होती है। वायु प्रकोप के कारण एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, सिंपल में इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक्यूमुलेशन ऑफ गैस यूजुअली एसोसिएट विथ पेन को हम कॉलिक की पेन कह सकते हैं या पेन भी कह सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन गैस इंटेस्टाइनल ट्रैक एसोसिएट विथ पेन इस कारण आत्मान। आत्मान के निदान क्या है, एक विदारण बात प्रकोप है, रुचनपान का सेवन करना, आहार का ठीक से ना पचना, पित्त क्षय होगा, वायु की वृद्धि होती है।
तो वेग बदलने पर भात का प्रकोप होगा, रुचन अधिक सेवन से भात का प्रकोप होगा, आहार का ठीक से पाचन नहीं होगा तो गैस की उत्पत्ति होगी, गैस का एक्युमुलेशन होगा, सड़ेगा खाना और पित्तक्षय से प्रॉपर खाने का डाइजेशन नहीं होता, ये इसकी निदान है। संप्राप्ति, संप्राप्ति निदान सेवन, निदान सेवन के बाद भात का प्रकोप होता है, पित्त का क्षय होता है, आहार का ठीक से ना पचना, आहार का ठीक पाचन नहीं होता पित्त क्षय होने से, क्योंकि पित्त अग्नि है, तो अग्नि अगर ठीक नहीं है तो आहार का ठीक से पाचन नहीं होगा, आहार का ठीक पाचन नहीं होता तो भात की वृद्धि होती है, तो भात प्रकोप होता है, तो भात प्रकोप होने के कारण तो जो बेगुणित वायु है उसका उधर में संचय होने लग जाता है, बात का प्रकोप होकर बात का उधर में संचय होने लग जाता है, तो उधर बात का उधर में संचय होने के बाद आटोप और उधर में उत्सेद या फुलाव महसूस होता है, आटोप मीन्स गड़गड़ाहट की साउंड को आटोप कहते हैं, और उसमें उधर में फुलाव हो जाता है, इसको हम आद्यमान कहते हैं। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण सेम है जैसे उसकी निरुक्ति में आटोप है, उधर में सूल है, उधर में उत्सेद होगा, उधर सूल होगा जिसकी परिभाषा सुश्रुत ने दी है, तो आद्यमान में आटो, उधर सूल और उससे, और गैस के कारण बेचैनी रहती है, तो रेस्टलेसनेस भी मिलेगा। सुश्रुत ने आद्यमान के दो भेद बताए हैं, एक आद्यमान, दूसरा प्रत्याद्यमान। आद्यमान जिसका अभी मैंने डिस्कशन किया था, आद्यमान में क्या है, पक्वाशय में वायु का संचय होता है, आद्यमान में पक्वाशय में वायु का संचय होता है, जबकि प्रत्याद्यमान में, प्रत्याद्यमान में कफ एवं वायु की वृद्धि के कारण उदर के ऊपरी भाग, इस ऊपरी भाग मीन्स आमाशय में वायु का संचय होने से आटोप और उदर का उत्सेद होना, प्रत्याद्यमान में वायु कफ वायु की वृद्धि के कारण, क्योंकि इसमें आमाशय का भाग प्रकोपित हो रहा है, आमाशय के भाग में वायु का संचय हो रहा है, तो आमाशय कफ का स्थान है, इसलिए इसमें दोनों दोषों का प्रकोप होगा, कफ वायु के वृद्धि के कारण उदर के ऊपरी भाग, उदर भाग आमाशय में वायु का संचय होने से, होने के बाद जो आटोप या उत्सेद उदर में उत्सेद होता है उसको हम प्रत्याद्यमान कहते हैं। प्रत्याद्यमान में पार्श्व पीड़ा और हृदय पीड़ा का अभाव होता है, इसमें प्रत्याद्यमान में पार्श्व पीड़ा और हृदय पीड़ा नहीं मिलती है, ये दोनों डिफरेंस है। आद्यमान में पक्वाशय में वायु का संचय है, जबकि प्रत्याद्यमान में उदर के ऊपरी भाग आमाशय में वायु का संचय होता है। चिकित्सा, चिकित्सा में आद्यमान की चिकित्सा है, आद्यमान की चिकित्सा पूरी सच आना के समान आद्यमान की चिकित्सा करना चाहिए, और आमज आना में और प्रत्याद्यमान में आमज आना के समान चिकित्सा करना चाहिए, आद्यमान में पूरी सच आना के समान और प्रत्याद्यमान में आमज आना के समान। तो आमज आना में मैंने
चिकित्सा है कि बमन, सबसे पहले उसमें बमन होना चाहिए, उसके बाद उसका सूत्र है आमो उद्भिद उद्भवे उद्भवे बांत उपक्रमेत संसर्ग भक्त क्रमे क्रम दीपनीय। तो सबसे पहले वमन कर्म, उसके बाद संसर्ग पिया विलेपी आदि का संसर्ग क्रम, और उसके बाद जो लिक्विड डाइट है उसमें अग्नि दीपक दर्भ का यूज करना चाहिए। और पुरुषजाना में चिकित्सा है, पुरुषजाना में अगर मुख से पुरुष का वमन नहीं हो रहा है, अगर मुख से पुरुष का वमन हो रहा है तो वह असाध्य व्याधि है, मुख से पुरुष का वमन नहीं हो रहा है तो उसमें स्वेदन और पाचन कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आद्यमान की चिकित्सा, शिशु चिकित्सा स्थान में दिया है आद्यमान माने तु अवतरण अवतर्पण पाणी ताप दीपनी चूर्ण फलवर्तीय क्रिया पाचनी दीपनी बस्ती अभिरूप उपचारित। तो ये चिकित्सा करना चाहिए आद्यमान में, अवतर्पण पाणी हाथों से ताप सेक करना चाहिए उधर पे, दीपन चूर्ण का यूज करना है, फलवर्ती करना है, फलवर्ती का यूज करना है, गुदवर्ती दीपन पाचन अनुमोदन क्रिया है, बात अनुमोदन औषधि का उपयोग और बस्ती का उपयोग करना चाहिए। प्रत्यादान में छदन अवतर्पण दीपनानी कुर्यात्। प्रत्यादान में वमन अवतर्पण और दीपनी क्रियाओं का यूज करना चाहिए चिकित्सा में। और संशोधन कर्म तो इसके संशोधन भवन विलेचन बस्ती चिकित्सा इसमें आ गई है। अब इसके बाद संसमन चिकित्सा, संसमन चिकित्सा में हम इसको इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण शिवाचार पाचक चूर्ण लहसुन आदि बटी पंचकार चूर्ण आदि का यूज कर सकते हैं, तथा चक्र दर्द में इसमें कुछ उधर पर लेप करने का भी बताया है कि उधर पर स्थानिक लेप करना चाहिए। दारुष्टक लेप है जो देव दारू बच्चा कुष्ठ हिंगू आदि से बनाकर उसका लेप करना चाहिए उधर पे। और इसमें हम अग्निचुंडी बट्टी का यूज कर सकते हैं, हरित की चूर का यूज, अर्क बट्टी रसोन बट्टी का यूज कर सकते हैं, तरणी कुसुमा का चूर्ण का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम जो बात प्रकोपक आहार विहार है उसका अवॉइड करना चाहिए, जैसे जो गैस ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हैं आलू है, गोभी है, अनियन है, एग्स है, इन चीज़ों का कम यूज करें जो बात प्रकोपक आहार है। उड़द की दाल है, जो चने की दाल है उनका कम यूज करें, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कम यूज करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली वॉक साइकिलिंग वगैरह होना चाहिए। इसमें मॉडर्न में हम इसमें कॉज में साइकोलॉजिकल कॉज भी आद्यमान का कारण हो सकता है, कुछ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में भी ये सिम्टम्स मिलते हैं, हाइपर एसिडिटी में भी पेशेंट आके कहता है कि मेरा गैस पेट फूला फूला सा रहता है, तो ये इनके भी व्याधियों के सिम्टम भी
आत्मन हो सकता है। तो हमें ये याद रखना है, आटोप, आटोप में कोई विशेष अलग से नहीं है, ये आत्मन का ही एक सिम्टम है। आटोप की परिभाषा में दिया, आटोप गुणगुण शब्द, एक गुणग्राहट की ध्वनि साउंड को हम आटोप कहते हैं। सेम इसी का आत्मन, जैसे ही बात पत्थक आहार व्यार का सेवन करना, उधर में वृद्धि हो जाना, बात की वृद्धि होने के बाद, वायु का पक्व होने के बाद वायु का उधर में संचरण करना और गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करना, उसको आटोप कहते हैं। आटोप में चिकित्सा मुक्त आटोप की वही बात, अनुलोमक चिकित्सा करना चाहिए और स्नेह स्वेदन दीपन पाचन आदि बस्ती आदि चिकित्सा तथा अजीर्ण के समान चिकित्सा करना चाहिए। अजीर्ण का अग्नि दीपक और दीपन पाचन द्रव्यों का यूज करना चाहिए। इसमें वही लवण मास्वा निवा स्ट्रक्चूर निवादी बट्टी आदि का हम यूज कर सकते हैं। लहसुन आदि बट्टी सेवा चार पाचक भी इसमें दे सकते हैं हम, पंचकार चूर्ण भी दे सकते हैं। ये सिंपल आत्मान का ही एक लक्षण है, तो उसी के अनुसार हम आत्मान के अनुसार ही भी चिकित्सा कर सकते हैं और जीव की चिकित्सा भी इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ ये आत्मान और आटोप आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।